हैदराबादी मटन दम बिरयानी या फिर कच्चे गोश्त की बिरयानी, इसे बनाना जितना मुश्किल है उतना ही आसान। दोस्तों, मैं हूं सलमा, आपकी कुकिंग फ्रेंड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वर्ल्ड फेमस हैदराबादी मटन दम बिरयानी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बरिस्ता। बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। प्याज इवनली और एक जैसा कट करेंगे, कहीं मोटा और कहीं पतला काटेंगे तो बरिस्ता ठीक नहीं बनेगा। तो चलिए बरिस्ता कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले 2 कप तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये है स्लाइस कट की हुई करीब 800 ग्राम प्याज। प्याज को इस तरह से उंगलियों से खोलते हुए गर्म तेल में शामिल कर देंगे। पहले फ्लेम हाई रखेंगे। जैसे ही इसका हल्का सा रंग बदलने लगे, फ्लेम लो करके ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब इसका रंग इस तरह से हल्का सा सफेद हो, तेल से बाहर निकाल लेंगे और एक चौड़े से प्लेट में फैलाकर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बाकी की प्याज को भी आप इसी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, प्याज को बाहर निकालने के बाद भी इसका कुकिंग प्रोसेस चालू रहता है। ये ठंडी होकर पूरी तरह से ब्राउन और एकदम क्रिस्प हो जाएगी। ये देखिए, बढ़िया सा बरिस्ता बनकर तैयार है। यहाँ पर 2 केजी गोश्त को भी मैंने अच्छे से साफ करके छन्नी में डालकर पानी ड्रेन होने के लिए छोड़ दिया है। सेकंड स्टेप है मैरिनेशन का। गोश्त को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम कच्चे पपीते का पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए कच्चे पपीते का पेस्ट कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर के बीज हटाकर पपीते को छिलके के साथ ही पीस लेंगे। मार्केट में रेडीमेड मीट टेंडराइजर्स भी अवेलेबल होते हैं, आप चाहे तो उसे भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब बना लें हैदराबादी बिरयानी मसाला। हैदराबादी बिरयानी मसाले में मेजर दालचीनी, इलायची और शाजीरा, ये 3 ही होते हैं। 10 ग्राम दालचीनी, 10 ग्राम हरी इलायची, 2 टीस्पून शाजीरा, 2 ग्राम लौंग और आधा जावित्री का फूल। ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी मसाले में बस इतनी ही चीज़ें जाती हैं। उसमें भी लौंग और जावित्री का फूल बहुत कम क्वांटिटी में लिया जाता है। इन सभी मसालों को पीस कर फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। चलिए अब मैरिनेशन भी देख लेते हैं। 2 केजी गोश्त के लिए मैंने लिया है 2 चम्मच कच्चे पपीते का पेस्ट, 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 या 2 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, करीब 6 टेबलस्पून नींबू का रस। तीन पाव बिरयानी मसाला हम गोश्त में शामिल कर देंगे और 1 पाव बचा लेंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। 2 हाथ भर के पुदीना और 1 हाथ भर के हरा धनिया कोथिमीर और प्याज को भी 3 पाव प्याज को इस तरह से मसलते हुए गोश्त में शामिल कर देंगे और 1 पाव प्याज को बचा लेंगे, इसे भी हम बाद में यूज़ करेंगे। कैमरे में अच्छे से दिख जाए इसलिए मैंने बेसन यूज़ किया था। इसे आप अब बड़े भगोने में जिसमें भी आपको बिरयानी बनानी हो इसमें शामिल कर दे। अब इसमें 2 चुटकी ज़ाफ़रान, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। ज़ाफ़रान डालने से बिरयानी की रंग और खुशबू दोनों ही बढ़िया हो जाएंगे। अब स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 कप दही और तेल जिसमें हमने प्याज तल कर रखा था,
करीब 1.5 कप डालकर सभी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे हैदराबादी बिरयानी बनाना और खाना दोनों ही अच्छे लगते हैं। आपको बिरयानी कैसी लगती है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। देखो हल्दी डालना तो मैं भूल ही गई, बिरयानी में बहुत कम हल्दी जाती है, 2 केजी गोश्त के लिए आधा चम्मच काफ़ी है। कम से कम 10 मिनट के लिए गोश्त को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे ढककर कम से कम 2 घंटों के लिए मैरिनेट होने देंगे। 2.25 केजी बासमती चावलों को भी धोकर मैंने भिगोकर रख लिया था। मेरे पास बड़ा भगोना नहीं था, इसलिए मैंने 2 अलग भगोनों में चावल के हदन के लिए पानी उबलने रख दिया है। 1 केजी चावलों के लिए कम से कम 6 लीटर पानी उबाल लेंगे। पानी में 2 हरी मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ा सा पुदीना डालकर पानी को उबाल लेंगे। और जैसे ही पानी में उबाल आ जाए, आधे चावलों को एक भगोने में शामिल कर देंगे और बाकी के चावलों को दूसरे भगोने में। चावलों में नमक थोड़ा तेज़ रखिएगा, फिकर ना करें, क्योंकि हम चावल हाफ टन ही पका रहे हैं, इसीलिए चावल नमक नहीं पकड़ेंगे। फर्स्ट लॉट में चावल शामिल करने के सिर्फ 2 से 3 मिनट बाद ही चावलों को ड्रेन कर लेंगे। ये बस पूरी तरह 70% कच्चे ही होने चाहिए, बस 30% ही इसको पकने देंगे। जबकि जो दूसरी लॉट में चावल पक रहे हैं, इन्हें हम 4 से 5 मिनट कम से कम 50% तक पकने देंगे। जब ये हाफ टन हो जाए तो फ्लेम बंद करके इन्हें भी ड्रेन कर लेंगे। गोश्त को भी 2 घंटे हो चुके हैं, इसमें करीब 2 कप चावलों का गर्म पानी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। गोश्त के ऊपर सबसे पहले कच्चे चावलों की लेयर, जो हमने 30% चावल पका कर रखे थे, आधे चावलों को इस तरह से फैला लेंगे। इन चावलों के ऊपर जो बिरयानी मसाला हमने बचा लिया था, बिरयानी मसाला, पुदीना, कोतिमीर, फ्राइड ऑनियन को इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। अब जाएगी एक और लेयर 30% पके हुए चावलों की। सेम इसी तरह से इसके ऊपर भी बिरयानी मसाला, पुदीना, कोतिमीर और फ्राइड ऑनियन को स्प्रिंकल कर देंगे। इसी तरह जो दूसरे लॉट में हमने चावल गलाए थे, 50% गले हुए चावलों को भी 2 लेयर्स में फैला लेंगे। बिरयानी दम देने के लिए खुला और हैवी बॉटम का बर्तन यूज़ कीजिएगा। चावल भी बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए और गोश्त भी छोटे बकरे का रहेगा, तो बिरयानी बढ़िया बनकर तैयार होगी। आधा घंटा पहले ही 1/2 कप गरम दूध में 2 चुटकी ज़ाफ़रान को मिलाकर रख लिया था। इस ज़ाफ़रान वाले दूध को भी इस तरह से ऊपर से बिरयानी में शामिल कर देंगे। अब आखिर में 4 से 6 चम्मच देसी घी को भी ऊपर से इस तरह से स्प्रेड कर दीजिएगा। बस अब ढाकन लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे पकने देंगे। साथ ही इस पर कुछ वज़न पत्थर या फिर वेट ग्राइंडर रखकर स्टीम को लॉक कर देंगे। आप चाहो तो भगोने पर गीला कपड़ा, आटा या फिर एल्यूमिनियम फॉइल रखकर भी लिड को अच्छे से कवर कर सकते हैं। पहले 5-7 मिनट हाई फ्लेम पर और बाकी के 20-25 मिनट लो फ्लेम पर बिरयानी को दम होने देंगे। बिरयानी बनने के बाद इस तरह से चेक कर लेंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा पानी रह गया है तो 5-10 मिनट और दम होने दीजिएगा। ये देखिए बिरयानी कितनी खिली खिली और बढ़िया बनकर तैयार हुई है। पीस भी एकदम नरम और अच्छे से गल चुका है। बिरयानी बहुत मज़े की बनी है, सभी को बहुत पसंद आई है।
आपको भी अच्छी चीज़ बनाकर बहुत खुशी होगी। अगर आप इसे चिकन में भी बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, प्लीज़ देख लीजिएगा। थैंक यू।